आज हम करेंगे लेसन बिटवीन एफ एंड आर। हमने मिरर के बारे में पढ़ा था और मिरर के बारे में जब हमने पढ़ा हमने एफ और आर बताया था। एफ हमारी क्या होती है? फोकल लेंथ। आर हमारा क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज हम करेंगे रिलेशन इन दोनों के बीच में। पहले हम करेंगे कनकेव मिरर के लिए। अगर कनकेव मिरर की बात करें हम तो कनकेव मिरर की जो इमेज हमने किस टाइप की बनाई थी, ये हमारा क्या बन गया? कनकेव मिरर। इस साइड हमने क्या कर दिया? पेंट। और हमने मान लिया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो कहाँ है, वो हम मान लेते हैं कि वो हमारा कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे। और जब इनफाइनाइट से कोई भी इंसिडेंट रे आएगी वो हमेशा क्या आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये आ गई हमारी इंसिडेंट रे। ये जिस पॉइंट पे टकराई उस पॉइंट का नाम रख दिया हमने कि वो पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है। यहां हमारा क्या होता है? कोण पी। पी और सी के बीच में हमने पढ़ा था कि हमारा क्या होता है? एफ पॉइंट, फोकस पॉइंट। लाइट जब टकराएगी पैरेलल आके, वो टकराने के बाद किसमें से? एफ पॉइंट में से क्रॉस करेगी। वो किसमें से सीधी जाएगी? एफ पॉइंट में से जाती हुई हमको दिखाई देगी। ये हो गया। अब जब भी हमने नॉर्मल खींचना है, हम नॉर्मल खींचने के लिए क्या करेंगे? हमेशा सी पॉइंट से लाइन खींच देंगे और कहां पे? जहां पे लाइट आके टकराई थी। ये हमारा सी पॉइंट, ये एफ, ये पी, ये बी। ये पॉइंट जहां से आ रही है लाइट, उस पॉइंट को मान लिया हमने ए पॉइंट। इंसिडेंट रे जहां पे आके टकराती है वहां नॉर्मल के साथ वो क्या बनाती है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ आई। यानी कि हमारा एंगल ऑफ ए बी सी, ये पॉइंट क्या है? पॉइंट सी, ए बी सी। ये हमारा क्या हो गया? इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ आई। फिर हमारा क्या हो गया? सी बी एफ, एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ सी बी एफ। ये हमारा क्या हो गया? एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं। फिर हमने मैथ के अंदर पढ़ रखा कि जब भी कोई भी दो पैरेलल लाइट लाइन होती हैं और यहां पे अगर इन दोनों में लाइन खींची तो इसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होते हैं? सेम। यानी कि एंगल ये और ये दोनों क्या है? सेम। ऐसे अगर इस साइड से भी लें तो ये वाला और ये वाला, टू नंबर दे देता हूं मैं, ये जो दो नंबर पे एंगल होंगे ये भी सेम होंगे और फर्स्ट नंबर पे जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। ऐसे ही हमारा यहाँ पे जो ये एंगल है और सी पॉइंट पे जो यहाँ पे एंगल है दोनों क्या होंगे? सेम। ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर ही होगा। तो अब हमने क्या किया, हम यहां से एक ट्रायंगल सिलेक्ट कर लेते हैं सी बी एफ। यानी कि हम किसके बारे में बात करेंगे? इन ट्रायंगल सी बी एफ के अंदर, इसके अंदर जो हमारा एंगल ऑफ आई है वो किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ आर। किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा इंसिडेंट एंगल है ना हमेशा क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए, अब हमने क्या किया कि जो हमारा सी एफ है ना वो किसके बराबर होगा? एफ बी। ये वाली जो भुजा है वो किसके बराबर होगी? इसके। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? सेम। ये चीज हमने बहुत अच्छे से मैथ में कई बार पढ़ी। फिर हमने क्या किया, मान लिया कि जो हमारा कनकेव मिरर के अंदर ये यहां से इस तरह से झुका हुआ होता ना, ये क्या है? बहुत ही कम है, लगभग क्या है? प्लेन के बराबर है। तो उस टाइम पे ये वाली जो भुजा है वो लगभग क्या हो जाएगी? इसी के बराबर हो जाएगी। ये यहां से जो ये लेंथ है और ये लेंथ है दोनों क्या हो जाएंगी? लगभग बराबर। यानी कि हमारी एफ बी लगभग इक्वल किसके हो जाएगी? एफ पी के बराबर हो जाएगी। एफ बी लगभग किसके बराबर हो जाएगी? एफ पी के। जब ये दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे? यहां पे एफ पी बी की जगह पे हमने क्या रख दिया? एफ पी रख दिया। तो सी एफ बराबर है किसके? एफ पी के। ये चीज ये आ गई हमारी। अब हमने क्या किया, पी सी की वैल्यू निकाली कि पी से लेके सी वो किसके बराबर होगा? इन दोनों का जो कि यहां से लेके यहां तक ये पूरी भुजा किसके बराबर होगी? ये प्लस ये। तो हमने क्या कर दिया, पी एफ प्लस एफ सी, इन दोनों को क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया।
अब हमने पढ़ा था कि जो सी एफ है ना वो किसके बराबर है, एफ पी के। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एफ सी की जगह पे क्या रख दिया, एफ पी रख दिया। तो हमारा क्या आ गया, पी सी इज इक्वल टू पी एफ एज इट इज प्लस एफ सी की जगह पे हमने क्या कर दिया, पी एफ। पी से लेके सी तक हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो भी किसमें, कंकेव मिरर में। इस साइड जो भी लेंथ हमने साइन कन्वर्जन रूल के पहले वीडियो में हमने पढ़ा था साइन कन्वर्जन रूल में, कि यहाँ पे ही हमारी किस में आएगी हमेशा माइनस में। तो ये हमारी किस में आ गई, माइनस आ। पी एफ हमारी क्या होती है, ये दोनों को क्या कर दिया, एड, तो क्या हुआ, टू पी एफ टू एज इट इज। पी एफ हमारा क्या होगा, रेडियस पी से लेके एफ तक फोकल लेंथ, तो ये हमारी क्या होगी, स्मॉल एफ। और किस में, इस साइड है, तो माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल। आर इज इक्वल टू क्या आ गया, टू एफ, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, आर बाई टू। ये दोनों रिलेशन आ गए हमारे, आर इज इक्वल टू टू एफ और एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, यानी कि हमने फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या निकाल दिया, रिलेशन। हमेशा जो फोकल लेंथ होगी ना वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ। हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो हमेशा क्या होती है, फोकल लेंथ का ट्वाइस। ये हमारी किसके लिए थी, कनकेव मिरर के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर कन्वेक्स मिरर, दैट्स इट।